खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं अक्षय तिवारी आपका तहे दिल से एक बार स्वागत करता हूँ। हरदोई के रेलवे गंज के वसुंधरा बिल्डिंग में स्थित विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होने के बाद धीरे धीरे बैंक का कार्य बैंक ऑफ बड़ौदा के नियमानुसार कार्य शुरू हो गया था। लगभग एक माह पूर्व विजया बैंक के द्वारा नोटिस बोर्ड पर 27 जुलाई से बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में साधकों के लेन देन के कार्य की शुरू होने की सूचना लगा दी गयी थी। 25 व 26 जुलाई का अवकाश होने के कारण आज 24 जुलाई को विजया बैंक शाखा में अंतिम लेन देन हुआ। शाखा प्रबंधक आकाश मिश्रा ने बताया कि 27 तारीख से कचहरी रोड सिविल लाइन हरदोई में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की मुख्य शाखा में लेनदेन का कार्य शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से विजया बैंक में खाता धारकों को सभी सुविधाएं मुहैया थी, उसी प्रकार से यहां के खाता धारकों को सारी सुविधा मुहैया रहेंगी। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। इस मौके पर सहायक शाखा प्रबंधक प्रिया पटेल, राजकुमार, शेखर सुमन, राम जी व सोनू आदि लोग मौजूद रहे। हमारी विजया बैंक की शाखा आज दिनांक 24/7/2020 से यहाँ पे रेलवे गंज परिसर में बंद हो रही है और ये शाखा 27/7/2020 से बैंक ऑफ बड़ौदा की हरदोई मेन शाखा में चालू होगी। समस्त ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वो अपने समस्त सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं जो भी वो प्राप्त करते हैं वो हरदोई मेन शाखा में आकर के प्राप्त करें और जो कस्टमर को हमारे परेशानी हुई उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं और आगे से उनकी सारी सुविधाएं वो वहां से ही उपलब्ध कराएं। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें, बने रहिए हमारे साथ खबर 9।